दोस्तों आज जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया की जो तीसरा ओडीआई मैच है, इस मैच में आज हमने देखा वन मैन आर्मी शो। जी हाँ दोस्तों, वन मैन आर्मी मतलब शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, अकेले हाथों में शुभमन गिल ने चौका और छक्के की बौछार करके टीम इंडिया को जीत दिलाई ये मैच में, और अकेले 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट रख के मैच जीता दिया। दोस्तों आज मैं बताऊंगा इस मैच की हाइलाइट्स, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के तीसरा जो ओडीआई मैच था, ये इस सीरीज का आखिरी ओडीआई मैच है और इस मैच का डिटेल आएगा आपके सामने, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का ये जो ओडीआई सीरीज हो रहा है, ये ओडीआई सीरीज हो रहा है जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। जी हाँ दोस्तों, हरारे क्रिकेट स्टेडियम पे बैक टू बैक 3 मैचेस हुआ। पहला मैच इंडिया जीत चुका था, दूसरा मैच इंडिया जीत लिया और तीसरा मैच भी शुभमन गिल ने अकेले हाथों मैच जीत लिया था। दोस्तों तीनों मैचों का ये जो ओडीआई श्रृंखला है, इसमें पहला 2 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ने हासिल कर लिया था इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की इस सीरीज का ट्रॉफी। लेकिन दोस्तों तीसरा मैच उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता था, लेकिन तीसरी मैच में इंडिया चाहते थे अपना रिजर्व चेक करना, इसलिए इस मैच में 2 तब्दीलियां किया गया था। मोहम्मद शिराज और प्रशीत कृष्णा के जगह पर आवेश खान और दीपक चहर को वापस ले आए टीम इंडिया। तो इस मैच में टॉस किया गया, जिम्बाब्वे ने टॉस हारा। लगातार तीसरी बार इंडिया ने टॉस जीतकर इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पहला 2 मैच था उस मैच में गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और दोनों मैच इजीली जीत लिया, तो इस मैच में तो बल्लेबाजी करने का फैसला लेना ही था। और बल्लेबाजी की ओर से टीम इंडिया से उतरे शिखर धवन और केएल राहुल। दोस्तों दूसरे मैच में शिखर धवन और केएल राहुल ओपनिंग किए थे, केएल राहुल इजीली फील्ड हुए, लेकिन शिखर धवन और उसके बाद 1 डाउन पे शुभमन गिल अच्छा रन किया था। दोस्तों शुभमन गिल के लिए ये जो सीरीज था बहुत अच्छा गया। दोस्तों केएल राहुल और शिखर धवन दोनों मैच का शुरुआत, पारी का शुरुआत जो है वो धीमी तरीके से किया। जिम्बाब्वे की बॉलर टीम इंडिया पे हावी हो रहे थे, 3.5-4 इकोनॉमी रेट से वे लोग बॉलिंग कर रहे थे और टीम इंडिया का जो रन रेट था वह ऐसा भी चल रहा था, मैक्सिमम 4 के ऊपर नहीं जा रहा था। केएल राहुल इन विच एक चौका मार दिया, एक छक्का, और शिखर धवन ने चौके पे चौका मारा था। जिम्बाब्वे की बॉलर सब लोग विकेट की तलाश में थे और विकेट आया 15वें ओवर पे। जी हाँ दोस्तों, 15वें ओवर तक टीम इंडिया नाबाद था, कोई भी विकेट नहीं गिरा था, लेकिन तब विकेट गिरा केएल राहुल जो कि कप्तान है टीम इंडिया के, 46 बॉल पे 30 रन बनाकर आउट हुए केएल राहुल। इसके बाद बैटिंग करने आए शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल ये सीजन, मतलब ये जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का सब मैचेस था वो बहुत अच्छा गया, पूरा सीरीज अच्छा गया और वे बैटिंग करने आ पहुंचा। दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल और शिखर धवन मिलकर खेल रहा था, शुभमन गिल भी धीमी तरीके से शुरुआत किया, शिखर धवन तो धीमी तरीके से खेल ही रहा था और शिखर धवन 5 ओवर बाद यानी 21वें ओवर पे आउट हो जाते हैं इवांस के बॉल पे। 84 पे 2 विकेट हो जाते हैं, शिखर धवन का स्कोर हो जाता है 40। इसके बाद ईशान किशन और शुभमन गिल दोनों मिलकर खेल रहे थे और ये दोनों ने मिलकर आकर बवाल मचा दिया। ईशान किशन थोड़ा स्लो खेल रहा था लेकिन शुभमन गिल चौका और छक्का मार रहा था, और ईशान किशन ऐसे करते करते ये दोनों स्कोर बोर्ड में, टीम इंडिया की स्कोर बोर्ड में 140 रन का पार्टनरशिप जोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, और ईशान किशन तब तक अपना 50 रन पूरा कर चुका था, शुभमन गिल भी अपना 50 रन पूरा कर लिया था, लेकिन तभी ईशान किशन हो जाते आउट 43rd ओवर पे, 224 पे होता है 3 विकेट डाउन। इसके बाद टीम इंडिया का बैट्समैन आया और गया। जी हाँ दोस्तों, दीपक हुडा इसके बाद आए, 1 रन बनाकर सिर्फ आउट हुए, संजू सैमसन 15 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन शुभमन गिल वहां पर अकेले के हाथों कूट रहा था जिम्बाब्वे बॉलर को और शुभमन गिल वहां पर अपना 100 रन बना लिया था चौका और छक्के की मदद से। दोस्तों इसके बाद अक्षर पटेल भी आया और आउट हो गया, जहां पर 42nd ओवर पे सिर्फ 2 विकेट था इंडिया की, वहां पर इनिंग्स के खत्म होने तक इंडिया का 8 विकेट गिर चुका था, यानी 8 ओवर में 6 विकेट गिरा टीम इंडिया की। इस पारी में शुभमन गिल सबसे ज्यादा 130 रन बनाया, जो कि छक्का और चौके के मदद से बैक टू बैक आया ये रन्स। शिखर धवन ने 40 और ईशान किशन ने 50 रन किया और इसके बाद केएल राहुल 30, बाकी कोई भी बैट्समैन जिम्बाब्वे बॉलर के सामने टिक ना पाया और अच्छा बैटिंग भी नहीं कर पाया। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के सामने 290 रन का लक्ष्य मात्रा रखा
और जिम्बाब्वे बॉलर बहुत कूटे, लेकिन ब्रैड इवांस ने 5 विकेट लिया था जो कि सबसे सफल गेंदबाज रहा आज के दिन। दोस्तों इसके बाद जिम्बाब्वे ने अपना इनिंग शुरू किया, कैटानो और इनोसेंट मिलकर जिम्बाब्वे पारी की शुरुआत हुआ, लेकिन दोस्तों जिम्बाब्वे हर दिन की तरह स्लो शुरुआत किया और तीसरी ओवर में इनोसेंट ने अपना विकेट खो बैठा और उसने लिया दीपक चहर ने उसका विकेट। पहला विकेट जब जिम्बाब्वे गिरता है बैक टू बैक विकेट गिरता ही रहता है और दूसरा विकेट भी गिर चुका था छठे ओवर पे, कैटानो जो कि ओपनर था वो भी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद शेन विलियमसन और टॉनी ने मिलकर अच्छा साझेदारी निभाई, जहां पर शेन विलियमसन ने 45 रन जोड़ा अपना टीम के लिए, जिम्बाब्वे के लिए 45 रन बनाकर शेन विलियम्स आउट हुए थे। 17वें ओवर पे शेन विलियम्स आउट होते हैं 82 पर 2 विकेट। इसके बाद जिम्बाब्वे के सिर्फ सिकंदर राजा के अलावा कोई भी बैट्समैन उतना अच्छा नहीं कर पाया। टॉनी मोनवा जो की अच्छा बैट्समैन माना जाता है जिम्बाब्वे की, वो भी 31 बॉल पे 15 रन बनाकर आउट हुए और रागिस चकोबा वो भी 16 रन बनाकर आउट हुए। रायन बर्न वो 8 रन बनाए सिर्फ, ल्यूक जॉनवे वो बनाए 14 रन। लेकिन दोस्तों सिकंदर राजा ने हाफ सेंचुरी किया, उसने बहुत ट्राई किया इंडिया को हराने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए, लेकिन वो कर ना पाया। जिम्बाब्वे ये मैच इजीली हार गया। जी हाँ दोस्तों, और बॉलर की माने तो दीपक चहर ने 2 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटका, बहुत अच्छा बॉलिंग हुआ टीम इंडिया से, लेकिन दीपक चहर आज थोड़ा महंगा साबित हुए और अक्षर पटेल को ज्यादातर कोई भी बैट्समैन खेल ही नहीं पाया। तो दोस्तों ऐसे करके टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के ऊपर जो 3 मैचों का सीरीज है उसमें जीत पाया और ओडीआई सीरीज टीम इंडिया के हाथों चला आया और ओडीआई सीरीज टीम इंडिया के हाथों में आने के बाद ये 3-0 से पूरा क्लीन स्वीप किया जिम्बाब्वे को। टीम इंडिया की अभी जो पूरी तरह से फोकस होगा वो होगा एशिया कप पे और पहला मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो दोस्तों एशिया कप के लिए क्या आप इंतजार कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके दिखे मेरे कमेंट का।